क्वेश्चन में हमें 4096 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम नंबर को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं पहले लीस्ट प्राइम नंबर से, विच इज 2। अब देखो 4096 एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। 128 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अब 64 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 32। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब 16 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 4। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 2 और अब 2 1 जा 2 हो गया। तो ये मिल गए हमें 4096 के फैक्टर्स। पहले इतना लिख लेते हैं। अब देखो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम फैक्टर्स को पेयर्स में डिवाइड करते हैं तो ये हो गया एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पैर, ये एक और ये एक हो गया पैर। अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 4096 फाइंड करना है तो जब हम इसके फैक्टर्स का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 2। तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 4096 मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा आ जाएगा 64। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 हमें मिल जाएगा 64। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64।